शुरू करें? हाँ, तुम्हारे ऊपर है। क्या मतलब? क्या मतलब, क्या भूल गई तुम? मैं क्या भूल गई? आफिया, तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे अपने हाथों से सूप पिलाओगी, कुछ खिलाओगी, तो क्या हो गया है आशिर? इतने लोग हैं यहाँ, बच्चों जैसी बातें ना करो। और सबसे पहले ना तुम ये तुम कहना बंद करो, मुझे बहुत बहुत अजीब से लगता है। पहले सूप पिए ना। पक्का? हाँ हाँ पक्का। चलो इसी बात पे सूप खा करते हैं। भाई मजा आ गया इतने दिनों। तुम क्या देख रही हो, तुम भी पियो सूप? अच्छा है ना? सच पूछो ना तो इतने दिनों बाद कुछ खा रहा हूं ना तो मजा आ रहा है। और वैसे भी आज से फिर भूख हड़ताल पे जाना होगा। क्यों अपनी सेहत के पीछे पड़ गए हैं आप? सेहत के पीछे नहीं, तुम्हारे पीछे पड़ा हूं मैं। मेरी बात सुने, मसले बात करने से भी हल हो सकते हैं। तुम मम्मी को नहीं जानती हो। खैर अब तो मैं भी उन्हें जानती हूँ। अब्बू तो राजी है ना आपके? आफिया, डैड की ना फिक्र मत करो, इज अ स्वीट हार्ट, वो मेरे साथ है, मुझे हमेशा साथ देते हैं। तो फिर डैड से कहो ना कि मॉम से बात करें। इम्पॉसिबल, मॉम नहीं सुनती किसी की, उनके दिल में जो आता है वो वही करती हूँ। कहना क्या चाह रहे हैं? यार तुम खामोखा परेशान हो रही हो, क्यों सोच रही हो उस बारे में? ये मेरा मामला है, मैं जानता हूँ मुझे किस तरह हैंडल करना है, सो प्लीज तुम रिलैक्स कर, ओके? सब कुछ नॉर्मल होगा, बस मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दो सिचुएशन। तुम सूप पियो और एक्सक्यूज मी, प्लीज ऑर्डर जरा जल्दी ला दीजिएगा। गंगा सूप मुझे बहुत पसंद, लेकिन तुमसे ज्यादा। क्या बन रहा है? अभी तो शुरू किया है, जल्दी से मुझे धनिया बना दो, थोड़ा हाथ बटाओ, काम सीख लो, ससुराल जाके करना पड़ता है। अम्मी वहां पर तो ये सारे काम नौकर करेंगे ना, मैं तो वहां जाकर आराम करूंगी। फिर भी करना तो पड़ता है ना, अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई मसला हो जाए, कोई बुरा वक्त आ जाए तो तुम्हें ही करना है ना, फिर कौन करे? क्या हो गया है अम्मी, अभी अच्छा वक्त आके नहीं दे रहा, आपको बुरे वक्त की पड़ गई। बात सुने, मैं ना लंच जरा हैवी करके आई हूँ, तो आप डिनर थोड़ा लाइट सा बनाइएगा। हैं? ऐसा क्या खा लिया था लंच में? मैं आशिर के साथ रेस्टोरेंट गई थी। आशिर के साथ? अरे अभी कुछ हुआ भी नहीं है, कोई बात नहीं हुई और तुमने उसके साथ घूमना शुरू कर दिया? अम्मी आजकल के दौर में ये सब कुछ चलता है। अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल गया ना तो वो तुम्हें यहाँ से चलता कर देंगे, वैसे ही बड़ी मुश्किल से उनका गुस्सा काबू में आया। लंच करके आई हूँ ना, कौन सा डिनर कर आ गई मैं? हाँ तो क्यों नहीं किया, पागल बेवकूफ। कुछ भी अम्मी। अच्छा तो जवाब क्यों नहीं दे रहे, ना कोई फोन, ना कुछ ना कुछ, मैं तो मरे जा रही हूँ उन्हें हाँ करने के लिए। आ जाएगा ना जवाब, सबर कर ले थोड़ा, हमें कौन सी इतनी जल्दी है। मुझे तो है। नहीं बताएं क्या करना था। जल्दी से धनिया बनाओ, जल्दी लगाओ नजमा खाना, भूख लग रही है, शाबाश। ये आशिर खाने की मेज पर क्यों नहीं है? भूख नहीं होगी। अरे भूख क्यों नहीं होगी? ये बात हुई, अब वो खाना भी आपकी मर्जी से खाएगा क्या? हद तो भाई। अच्छी तरह जानती हूँ, आप भी ठीक करके लाती हूँ उससे, मैं रुक जाओ। आपसे अच्छा तो कोई बेहतर कोई जानता ही नहीं किसी बात को। बैठो खाना खाओ, तुम्हारी अम्मा तो बस। यस आशिर, चलाओ खाना खा लो। जय, भूख नहीं है। ये क्या बात हुई भूख नहीं है, सब जानती हूं मैं। नहीं मॉम, आप कुछ भी नहीं जानते।
अच्छा खाना खा लो, उसके बाद आराम से बैठकर बात करेंगे। मॉम मुझे भूख नहीं है, वैसे भी ऑफिस में हैवी लंच किया था। आशिर थोड़ा सा चख तो लो। मुझे भूख होगी मैं खुद खा लूंगा बस। एक लड़की की खातिर तुम माँ से ऐसे बिहेव कर रहे हो? अभी से यह हाल है तो आगे जाकर क्या होगा? मॉम ऐसा कुछ भी नहीं, आप खामखा गलत सोच रही हैं। ऐसी बात है, जब मैंने कह दिया कि जोया का रिश्ता पहले तय होगा तो इसमें प्रॉब्लम क्या आशय? मॉम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी चाहता हूँ जोया का घर बसे, अच्छी जगह रिश्ता हो, लेकिन अगर उससे पहले मेरा रिश्ता हो जाएगा तो क्या अर्ज? और मॉम मैं एक लड़की की वजह से दूसरी लड़की को इंतजार तो नहीं करवा सकता ना, और वैसे भी ये शादियां नसीबों का खेल है। मैंने कह दिया कि जोया का रिश्ता पहले तय करेंगे, उसके बाद तुम्हारे लिए देखेंगे। देखेंगे से मतलब? आशिर दुनिया उस लड़की पे खत्म नहीं हुई है, और भी बहुत सारी लड़कियां मौजूद हैं। मॉम मुझे ना नींद आ रही है और मुझे भूख भी नहीं है।